उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने ज्ञापन में लिखा है कि वेतन भुगतान ना होने के कारण लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। यहां तक कि 22 सितंबर को जिला संगठन द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन भी किया गया था। उसी के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक में वेतन भुगतान के लिए अधिकारियों की मंशा के अनुसार प्रत्येक पत्रावली में लिखित अनुमति सहमति प्रदान की थी। गंभीर आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे शिक्षकों का वेतन भुगतान कराए जाने तथा घूसखोर लेखाधिकारी के विरुद्ध जांच कराकर दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि दशहरा और दिवाली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए यदि एक सप्ताह में स्थानांतरित प्रधानाचार्यों शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का वेतन भुगतान सुनिश्चित नहीं हुआ तो जिला संगठन आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। लखनऊ से संवाददाता रोशनी सोनकर की रिपोर्ट। लखनऊ में अन्य दफ्तरों से स्थानांतरित लगभग 100 से अधिक प्रधानाचार्यों शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं का 3 माह से वेतन भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लेखाधिकारी द्वारा घूसखोरी 30-40 लाख की घूसखोरी की प्रत्याशा में अधिकार विहीन अवांछित आपत्तियां लगा करके रोका जा रहा। जब जिला विद्यालय निरीक्षक ने स्पष्ट आदेश वेतन भुगतान के लिए कर दिया और 41 पत्रावलियां लेखाधिकारी को सौंप दी गई तो वो दबाव में केवल 6 पत्रावलियां की और उसके बाद अवकाश पर चले गए। इतना ही नहीं, 6 पत्रावलियां थी उसके लिए भी जो वेतन बिल केंद्रीय में लग गए थे वहां पर भी उन्होंने 7 तारीख को लिखित आपत्ति दाखिल कर दी। इससे इस घटनाक्रम से और वेतन भुगतान की मांग को लेकर जिला संगठन का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा निदेशक माध्यमिक श्री शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने जिला संगठन के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि शिक्षा विभाग के किसी अन्य लेखाधिकारी से को कार्यभार सौंप कर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के साथ जिला लेखाधिकारी के विरुद्ध जिला संगठन की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उन्होंने आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया। लेखनी है कि लेखाधिकारी द्वारा स्थानांतरण के बाद से ही दलालों के माध्यम से घूसखोरी के प्रयास किए जा रहे थे, जिसको संज्ञानित जिला संगठन ने जिला विद्यालय निरीक्षक को संज्ञानित करा करके विशेष कैंप के माध्यम से वेतन भुगतान कराने का अनुरोध किया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने 29 और 30 अगस्त 2023 को विशेष कैंप बालक और बालिका विद्यालयों के लगाए। इसके बाद लगातार पत्रावलियों पर लिखापढ़ी करते रहे, अनावश्यक आपत्तियाँ टिप्पणियाँ लेखाधिकारी लगाते रहे और अंततः 4 अक्टूबर को लेखाधिकारी से जब मुलाकात हुई तो उनको कहा गया वेतन भुगतान के लिए, उन्होंने आश्वस्त किया कि कल भुगतान कर देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस बीच में विशेष अनुमति भी प्रदान कर दी गई वेतन भुगतान की, जो लेखाधिकारी चाह रहे थे, लेकिन लेखाधिकारी के घूस न मिलने के कारण वो व्यथित हुए। आदेश मिलने पर उन्होंने केवल 41 पत्रावलियों में से केवल 6 पत्रावलियों पर निर्णय लिया और उनके वेतन बिलों पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन वेतन बिल जब केंद्रीय पहुंचे तो वहां पर भी 7 अक्टूबर को उन्होंने आपत्ति लगा दी कि इनका वेतन भुगतान उचित नहीं है, उनके द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में लेखाधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग को लेकर आगे भी जिला संगठन आंदोलन करेगा और शिक्षक और शिक्षिकाओं को प्रत्येक दशा में दशहरा और दीपावली के त्यौहार के पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित कराएगा।